आज हम सीखेंगे परसेंटेज मालूम करना। परसेंटेज एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है कैलकुलेशन की, जिसके सवालात इंट्री टेस्ट में या जॉब प्रिपरेशन के लिए हम इसको सीख सकते हैं। जॉब के लिए भी जो टेस्ट होते हैं उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और आमतौर पर ज़िंदगी में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वहाँ पर भी हम परसेंटेज को यूज़ में ला रहे होते हैं। तो परसेंटेज को मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, मिनिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब कि जो छोटा नंबर है उसको डिवाइड किया जाएगा बड़े नंबर से और मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपकी मार्क्स जो है वो है 600 और जो टोटल मार्क्स हैं वो है 1000, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो आपने जो मार्क्स लिए 600, वो आपने कितने परसेंट मार्क लिए हैं? 1000 नंबर में से आपने 600 लिए हैं, तो आपने कितने परसेंट मार्क्स लिए वो मालूम करने हैं। तो इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक है कि आप इसको सिंपलीफाई करें। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 आप ख़त्म करें, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 ख़त्म करें। यहाँ पर आपके पास रह गए 10 और वहाँ ऊपर आपके पास रह गए 600। तो यहाँ पर 10 एक दफ़ा और यहाँ पर 10 60 दफ़ा। तो आपके पास अभी क्या रह गया? 60 × 1। मतलब कि आपने जो 600 मार्क्स लिए हैं वो कितने परसेंट बने? 60% बने। तो ऐसे हम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज हम ऐसे मालूम कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 20% ऑफ 170। इस किस्म के क्वेश्चन अक्सर एंट्री टेस्ट वगैरह और जॉब प्रिपरेशन के लिए, जॉब के लिए जो टेस्ट हो रहे होते हैं उसमें इस किस्म के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ये जो फार्मूला हमने सीखा है सिर्फ़ और सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, उसके अलावा जो है कुछ ट्रिक्स हैं जो यूज़ करके हम परसेंटेज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, आपके पास एक परसेंटेज दी गई है 20%, वो आपको मालूम करनी है एक नंबर की, 170 की। तो इस किस्म के जब भी क्वेश्चंस आए तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो परसेंटेज मालूम करनी है वो ऊपर रखेंगे, और कंप्लीट जो परसेंटेज है, मुकम्मल परसेंटेज कितनी होती है? 100 होती है। और जिस नंबर की परसेंटेज मालूम करनी है वो नंबर मल्टीप्लाई में रखेंगे। सिंपली ट्रिक ये है कि यहाँ पर 10 अवेलेबल है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। 10 यहाँ पर भी हम ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पर 10 ख़त्म कर दिया, यहाँ पर 10 ख़त्म कर दिया। 10 को एक दफ़ा, 20 को दो दफ़ा। अभी हमारे पास क्या रह गया? 2 × 17। तो इसका जवाब क्या आया? 34। 170 का 20% कितना है? 34। तो ये इसका आंसर है। तो ये एक इजी ट्रिक है जिसके ज़रिए हम किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मालूम हो गया, आपने सीख लिया कि परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरीके से हम, किस ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 29% ऑफ 170। तो ये आप कैलकुलेट करें और फाइंड आउट करें कि 170 का 29% कितना होगा, और जो जवाब आए वो कमेंट करें, और फिर मैं आपको रिप्लाई में बताऊंगा कि आपने सही कैलकुलेट किया या गलत कैलकुलेट किया। थैंक यू।